नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे और बेहद फायदेमंद है। आप लोगों की बहुत समय से कंप्लेंट आती थी कि हम लोग मोटापे की रेमेडीज पीते हैं लेकिन हमें कोई असर नहीं होता, या ऐसी इम्पोर्टेंट चीज जो हर किसी के घर में मिलती है लेकिन उसकी शुद्धता की पहचान हम कैसे करें। आप लोगों के बेहद कमेंट आए थे और इससे मैं सोचा कि क्यों ना आपको वो इन्फॉर्मेशन दी जाए, ऐसी वीडियो बनाई जाए जो आपकी सेहत के लिए गुणकारी हो, आपके पैसे भी बचें और आप उस चीज का फायदा भी उठा पाएं। जी हां, आज हम बात करें शहद के बारे में। शहद की शुद्धता को कैसे पहचाने, कैसे परखें कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है, आज आपको मैं ऐसे 7 तरीके बताऊंगी। जी हाँ, जो आप इजीली अपने घर बैठे बैठे शहद की गुणवत्ता को चेक कर सकते हैं, उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो एंड तक सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा और उसको फॉलो भी करिएगा। शहद एक ऐसी चीज है जो हर घर में प्रयोग होता है। अब हम मार्केट में जाते हैं, हमें हर तरह के ब्रांड मिलते हैं, हर ब्रांड हमें गारंटी देता है कि वो 100% प्योर है। बट क्या सच में आपको लगता है कि 100% प्योर हर ब्रांड हो सकता है? तो इस बात में कितनी सच्चाई है, हम घर बैठे बैठे आज जांच करेंगे। शहद की नई बोतल लाकर अक्सर हमारे मन में यही विचार आता है, तो आज चलिए उस विचार को खत्म करते हैं। हमें क्या करना है, अपने शहद की बोतल उठानी है और एक कांच का ग्लास लेना है। पानी भरकर उसमें शहद की एक बूंद टपकाएं। अगर शहद नीचे तले में बैठ जाए तो शहद बिल्कुल शुद्ध है, और अगर शहद अशुद्ध है तो वो नीचे तले में बैठने की जगह पहले ही घुल जाएगा। दूसरा तरीका, शुद्ध शहद में मक्खी गिरकर फंसती नहीं बल्कि फड़फड़ाकर उड़ जाती है। तो ये आप तरीका दूसरा अपना सकते हैं। एक कटोरी में या एक बर्तन में शहद बाहर भरकर रख दें और मक्खी को देखें, जब वो बैठे तब देखें कि वो फड़फड़ाकर फंसी तो नहीं, उड़ तो गई, तो इससे आप उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका, शुद्ध शहद आंखों में लगाने पर थोड़ी जलन होती है परंतु चिपचिपाहट नहीं होगी। अगर चिपचिपाहट होती है तो समझ जाइए कि शहद नकली है। चौथा उपाय, शुद्ध शहद में हम कुत्ते के खिलाने की कोशिश करेंगे तो कुत्ता शहद को सूंघकर छोड़ देगा, जबकि अशुद्ध शहद को चाटने लगेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान से रखिएगा, जरूर देखेगा ये चीज करके, जो हमें बताता है इसकी प्योरिटी का। पांचवा तरीका, कपड़े पर शहद लगाकर धो दे। अगर दाग पड़ गया तो शहद अशुद्ध है, वरना शहद शुद्ध है, क्योंकि शुद्ध शहद का कभी भी दाग नहीं पड़ता। छठा उपाय, शुद्ध शहद देखने में पारदर्शी होता है। अगर आपने शहद को कांच के डिब्बे में रखा हुआ है, अगर शहद असली है तो आप डिब्बे में देखेंगे तो डिब्बे का नीचे का तल आपको साफ दिखाई देगा, तो समझ जाइए कि वो शुद्ध शहद है। सातवां उपाय, शीशे की प्लेट पर शहद टपकाने पर यदि शहद की आकृति सांप की कुंडली जैसी बन जाए तो शहद शुद्ध है। दोस्तों, इन 7 तरीकों को अपनाकर आप शहद की शुद्धता को पहचान सकते हैं। अब जानते हैं कि शहद के लाभकारी प्रयोगों के बारे में। शहद का नियमित और उचित मात्रा में उपयोग करने से शरीर को स्वस्थ, सुंदर, बलवान, सुफूर्तिवान बनाया जा सकता है। शहद को घाव पर लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। प्रातःकाल उठने पर नींबू शहद पानी पीने से आपके पूरे खून की शुद्धता हो जाती है, आपके पूरे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और मोटापा भी कम होता है। और दोस्तों, ये त्वचा पे निखार भी लाता है। गुलाब जल और नींबू शहद मिलाकर लगाना शुरू करेंगे तो आपकी त्वचा एकदम गुलाब की तरह निखर कर सामने आएगी। आपकी सारी गंदगी शरीर की निकल जाएगी, आपके फेस में सारी जितनी भी इम्प्योरिटीज थी वो क्लीन हो जाएंगी। त्वचा के जल जाने, कट जाने, छिल जाने पर भी शहद लगाने से बहुत लाभ मिलता है। शहद की शुद्धता, शहद के लाभकारी प्रयोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी बेहद पसंद आई होगी। तो वेट किस चीज का, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करें, वहीं पे एक बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में मेरे चैनल पर आने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। ऐसे ही अपना प्यार भर भर के देते रहें, खुश खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। दूसरों के लिए कुछ हेल्प करेंगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे, लाइफ में कुछ अचीव कर पाएंगे। पॉजिटिव सोचें तभी पॉजिटिव एनर्जी बांट पाएंगे। अपने साथ साथ पशु पक्षी का ध्यान रखें, उनको कुछ खाने पीने का जरूर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ, जबरदस्त नुस्खों के साथ। गुड लक।